डेट है आज चौबीस फरवरी 2023 ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में उससे पहले एक एग्जांपल जो आप एथिक्स या एस के पेपर में यूज कर सकते हो ये हैं सानिया मिर्जा आप जानते होंगे एक टेनिस प्लेयर हैं हमारे इंडिया की इन्होंने अभी टेनिस से रिटायरमेंट ली है थर्टी सिक्स ईयर एज में इन्होंने लगभग बीस साल तक टेनिस खेला है इन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में वूमन्स को महिलाओं को गर्ल्स को एक मैसेज दिया है इन्होंने कहा है आई वॉन्ट टू टेल यंग वूमन डोंट लेट एनी बडी टेल यू दैट यू कैन नॉट डू वट यू वॉन्ट यानी कि ये कहना चाहती हैं मैं जो यंग नौजवान महिलाएं हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप किसी को भी ये मत कहने दो कि आप जो चाहते हो यो वो आप नहीं कर सकते हो तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं जो हम ऐसे या एथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं पहले तो जानते हैं इनकी अचीवमेंट के बारे में इन्होंने देखो इंडिया को रिप्रेजेंट किया और सिक्स डबल ग्रांड स्लैम टाइटल जीते डबल कैटेगरी में जो दो लोग टेनिस खेलते हैं सिंगल कैटेगरी में पहले ये खेला करती थी उसमें भी इन्होंने बहुत सारे टाइटल जीते हैं और 91 वीक तक ये डबल्स में वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन पे रही हैं पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे रही हैं तो क्या क्या इनकी लाइफ से लेसन सीखे जा सकते हैं पहला है परश्यू योर ड्रीम यानी कि जो आपने उस परस्यू करो हासिल करो अचीव करो उसके लिए अपना पैसन रखो और हार्ड वर्क करो और हार्ड वर्क की आपकी मेहनत ही आपकी सक्सेस की तरफ आपको ले जा सकती है नेक्स्ट है बिलीव इन योर सेल्फ अपने आप में विश्वास सेल्फ बिलीव नेक्स्ट है लिव ऑन योर टर्म और देखो ये जो बिलीव इन योर सेल्फ है यानी कि अगर आप अपने आप में विश्वास रखोगे तो ये बहुत सारे बैरियर को तोड़ने का काम करेगा और आपको मोटिवेट करेगा सेल्फ मोटिवेट करेगा नेक्स्ट है लिव ऑन योर टर्म यानी कि आप अपनी ही कंडीशन पे अपनी टर्म पे ही जियो ये नहीं आपको दूसरे बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए बी ए पाथ ब्रेकर पाथ ब्रेकर का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि ये इंसान या ये आदमी या तुम कुछ नहीं कर सकते तो ये आप कभी मत सोचो बी ए पाथ ब्रेकर परसिवरेंस इज़ ए की परसिवरेंस का मतलब होता है लगन किसी काम को कंटिन्यूसली करते रहना नेक्स्ट है प्रेशर इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ देखो लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हर किसी की लाइफ में जब प्रेशर आता है तो ये भी एक जीवन का हिस्सा है तो इसे जीवन का हिस्सा मान के आपको इससे ओवरकम करना चाहिए और आगे थ्राइव करना चाहिए तो ये सब कुछ लेसन सीखा जा सकता है और ये आप एस के टॉपिक में मान लो महिला से रिलेटेड है तो इनकी लाइफ से एग्जाम्पल दे सकते हो आप एस के टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक है ओपन पिट माइनिंग ये प्रलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जी पेपर थ्री मेन्स के लिए भी ओपन पिट माइनिंग जैसा इसका नाम में है माइनिंग का मतलब आप जानते हो जो खनिज पदार्थ मिनरल होते हैं अर्थ में उनको खोद के निकाला जाता है उनके कई सारे टाइप्स होते हैं खदानों को निकालने के तो उनमें से एक है ओपन पिट माइनिंग अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि चाइना ने देखो नॉर्थ इनर मंगोलिया रीजन है चाइना का ये आप देख रहे हो चाइना नॉर्थ साइड में इधर मंगोलिया रीजन है यहाँ पे इसका इनर मंगोलिया रीजन बोलते हैं चाइना का यहाँ पे इसने माइनिंग की ओपन पिट माइनिंग जिसकी वजह से यहाँ पे कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और पचास तो अभी मिसिंग है गायब हो गए हैं तो क्या होती है ओपन पिट माइनिंग ये जानेंगे हम मोस्टली ये इम्पोर्टेंट है देखो ये पिरामिड टाइप का पिरामिड जानते हो पिरामिड मैथ में पढ़ा होगा आपने कुछ इस तरह का दिखाई देता है शंकु की तरह का पिरामिड इसके उधर साइड भी इधर साइड बने होते हैं आपके ये कौन से बने होते हैं तो ये होता है प्रामिड ये प्रामिड देख रहे हो जो आप अगर प्रामिड को उल्टा कर दें इस प्रामिड को ये वाली पार्ट नीचे और ये ऊपर यानी कि इसे इस तरह से कर दें तो ये परामिड की शेप में गड्ढा खो खोदा जाता है ये देखो अर्थ में ये ऊपर से चौड़ा है थोड़ा फिर नीचे नीचे जाता हुआ ये कम होता चला जाएगा ये है ओपन पिट माइनिंग करते हैं इस तरह से एक गड्ढा खोदते हैं और फिर यहाँ पे पाइप वगैरह डालते हैं और फिर जो खनिज पदार्थ वगैरह रहते हैं उनको निकालते हैं या फिर अंदर इसके जाते हैं लोग वो जाके निकालते हैं क्रेन वगैरह से जाते हैं वो निकालते हैं तो ओपन पिट माइनिंग को देखो ओपन कास्ट माइनिंग के नाम से भी जाना जाता है या ओपन सरफेस माइनिंग या ओपन पिट माइनिंग तो है ही या सरफेस माइनिंग टेक्निक के नाम से जाना जाता है ग्राउंड में से ये ओपन पिट के जरिए यानी कि जो खुला हुआ गड्ढा होता है इसमें मिनरल्स को खनिज पदार्थों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है निकाला जाता है और पूरे वर्ल्ड में देखो माइनिंग करने का ये मोस्ट कॉमन मेथड है सबसे ज़्यादा इसी मेथड का यूज होता है खनिज पदार्थों को अर्थ से निकालने के लिए और एक अप्रोप्रिएट एक्सट्रैक्शन मेथड भी समझा जाता है मिनरल्स या डिपोजिट को निकालने के लिए अर्थ सरफेस से क्योंकि अर्थ सरफेस पे आपको पता है वेजिटेशन होता है यानी कि पेड़ पौधे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं टॉप सॉइल होती है रॉक्स होती है चट्टाने तो उन सबको मान लो इतना सारा सरफेस खोदा नहीं जा सकता तो ऐसा करते हैं पहले ऊपर से थोड़ा ज़्यादा गड्ढा फिर नीचे से कम करते हुए उसे पैरामिड टाइप में लेके जाते हैं ताकि बाकी सारे और सरफेस को नुकसान ना हो जो ये सरफेस के लेवल बना देते हैं इसमें जब ये गड्ढा खोदा जाता है नीचे तो ये एक इन्वर्टिड पैरामिड की तरह बन जाता है इन्वर्टिड प्रामिड मतलब उल्टा पैरामिड बन जाता है जो ओपन पिट माइनिंग है ये कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड होता रहता है अगर मान लो मिनरल्स खनिज पदार्थ नीचे निकलते जा रहे हैं तो इसे नीचे तक और एक्सपेंड करते जाते हैं खोदते चले जाते हैं और वर्ल्ड में देखो ये एनुअली कॉपर गोल्ड आयरन और निकालने के लिए ओपन पिट माइनिंग की सहायता की सहायता ली जाती है और भी बहुत सारी कॉमोडिटीज़ होते हैं पदार्थ होते हैं और बहुत सारी मेटल्स हैं खनिज पदार्थ हैं जिनके जिनको निकालना जाता है इस ओपन पिट माइनिंग के जरिए जैसे डायमंड्स है मोलिडिनम है मैगनीज है लीड है जिंक है यूरेनियम है बहुत सारे इंडस्ट्रियल मिनरल हैं जैसे बोरेट्स है टाल्क है ये और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं इन मिनरल्स को निकालने के लिए ओपन पिट माइनिंग का यूज किया जाता है अच्छा एक होते ग्राउंड माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग होती है एक प्लेसर माइनिंग भी होती है जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग होती है बहुत सी इनमें क्या करते हैं कि जैसे यहाँ इसमें तो गड्ढा खोद रहे हैं उनमें क्या करते हैं सिर्फ जैसे ये सरफेस है अर्थ सर्फेस यहाँ पर एक पाइप नीचे गुजारा जाता है पाइप निकाला जाता है और फिर यहाँ पता लगाया जाता है यहाँ पर मान लो डिपोजिट है यह अर्थ में एक पाइप डाला यहाँ पे डिपोजिट है तो ये यहाँ तक देखेंगे यहाँ पे डिपॉजिट है फिर एक यहाँ पे एक अंदर ही एक कर दिया जाता है होल बना दिया जाता है यहाँ पे रास्ता सुरंग टाइप में टनल बोल सकते हो और फिर ऊपर यहाँ से एक और निकाला जाता है एक एक और पाइप निकाला जाता है या यहाँ पर एक स्पेस खो खोदा जाता है फिर इस पाइप के जरिए यहाँ से प्रेशर दिया जाता है और इस होल के जरिए इस होल में से वो माइनिंग की जाती है यानी कि खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं इस तरह के मेथड भी अंडरग्राउंड मेथड है जो तो कई सारे मेथड हैं चार मेनली मेजर टाइप चार टाइप के मेथड होते हैं जिनके जरिए मिनरल्स निकाला जाता है अर्थ से अब जानते हैं जो ओपन पिट माइनिंग है इसके इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या हैं मतलब पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके देखो एक तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट वाटर का यूज होता है बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है ओपन पिट माइनिंग करने में नेक्स्ट यह है कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसको भी ये पॉल्यूट कर देता है या सरफेस वाटर होता है ओपन पिट माइनिंग के जरिए वो पॉल्यूटेड हो जाता है प्रदूषित हो जाता है हवा भी पॉल्यूटेड हो जाता हो जाती है नेक्स्ट है क्योंकि देखो जब ओपन पिट माइनिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं खनिज पदार्थ निकलते हैं केमिकल्स निकलते हैं जिनके जरिए वाटर है जो आसपास का पानी या हवा वो प्रदूषित हो जाती है लैंडस्केप तो है, है उसका तो डिसफिगर हो ही हो ही जाएगा वैसे सब जो लैंडस्केप है यहाँ पर भूमि है उसका तो फिगर बिगड़ ही जाएगा ना गड्ढा खो देंगे वो तो ख़राब हो जाएगी पूरा और जो हैबिटेट है यहाँ पे वो भी परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता हो जाएगा मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया था यहाँ पे पता चला यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं तो फॉरेस्ट एरिया को यहाँ से हटाना पड़ेगा काटना पड़ेगा कुछ तो वो एरिया तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा ना जो यहाँ पे जंगली जानवर पशु पक्षी जो रहा करते थे उनका भी जो हैबिटेट है निवास स्थान है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये भी है कि इरोजन का भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है मृदा इरोजन सॉइल इरोजन मृदा आपर्दन बोलते हैं हिंदी में जैसे बारिश आई है तो फ्लडिंग का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है यहाँ पे पिट में नेक्स्ट टॉपिक है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर टू मेन्स के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि जो ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन है उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है यूनियन कैबिनेट ने जनरली देखो लॉ कमीशन को तीन साल के लिए फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है तीन साल के लिए अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेकिन इसका टाइम पीरियड अभी यूनियन कैबिनेट ने बढ़ा दिया है डेढ़ साल और बढ़ा दिया है इस वजह से न्यूज में है तो जानेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है ये एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि ना तो इसके लिए कोई संविधान में प्रोविज़न है और ना ही इसके लिए कोई कानून बनाया हुआ है कानून के जरिए बनाया गया हो नहीं बिल्कुल भी नहीं सिर्फ गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास करती है और इसको बना देती है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसके लिए एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है यानी कि जो हमारा कानून मंत्रालय है कानून और न्याय मंत्रालय उसको ये सलाह देता है सलाह देता है एडवाइज करता है कि कानून बनाने के लिए क्या हिस्ट्री है ये कब से बनाया गया है अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट लॉ कमीशन ब्रिटिश राज में बनाया गया था जब ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारा इंडिया 1834 में बनाया गया था और इससे पहले एक चार्टर एक्ट पास किया था 1833 में यह आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत की बुक में भी और एन में भी चार्टर एक्ट एटीन तो इसके जरिए एट्टीन में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे लॉ कमीशन के लॉर्ड मैकाले फिर 1955 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट लॉ कमीशन बनाया गया मतलब हमारे आजाद भारत में पहला लॉ कमीशन 1955 में बना था इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट लक्ष्य क्या होता है देखो रिसर्च करता है ये लॉ में क्योंकि लॉ कमीशन है लॉ के लिए रिसर्च करेगा और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करता है सिफारिश देता है रिपोर्ट देता है और इसकी रिपोर्ट देखो ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग हो बाध्यकारी नहीं है ये बात आपको याद रखनी है नॉट बाइंडिंग है नॉन बाइंडिंग है क्योंकि गवर्नमेंट माने ही माने ये जरूरी नहीं है सिर्फ एडवाइजरी है सलाह देती है रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट माने ना माने गवर्नमेंट के मर्जी है ये अब तक 277 रिपोर्ट दे चुका है लॉ कमीशन 277 रिपोर्ट दे चुका है इस कमीशन में लीगल एक्सपर्ट होते हैं और रिटायर्ड जज इसका हेड होता है जो इसका चेयरमैन होता है चेयरपर्सन बोल सकते हो अध्यक्ष होता है इस कमीशन का वो एक रिटायर्ड जज होता है और ये कमीशन फिक्स्ड टेन्योर के लिए बनाया जाता है यानी कि तीन साल के लिए बनाया जाता है लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इसका पीरियड एक्सटेंड कर सकती है जैसे अभी क्या है डेढ़ साल का नेक्स्ट टॉपिक है फास्ट फॉर जिप्सम ये प्रलिम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेंस के लिए भी जीएस पेपर टू और थ्री में भी पूछा जा सकता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक देखो फास्ट फॉर जिप्सम का कहाँ कहाँ पर यूज है और अभी क्यों न्यूज में ये दो तीन बातें जाननी है हमें इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो जो हमारे इंडिया में हाईवे बनाती है नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर ये काम करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी ने अभी देखो डिपार्टमेंट ऑफ फ़र्टिलाइज़र है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर काम करता है डिपार्टमेंट तो इसके साथ मिलके ये देखो फास्ट जिप्सम को नेशनल हाईवे बनाने में यूज करने जा रही है क्योंकि देखो ये फास्ट और जिप्सम है इनसे फर्टिलाइज़र भी बनता है फर्टिलाइज़र का मतलब खाद जो खेतों में डालते हैं किसान खाद वो भी बनता है लेकिन इसको रोड बनाने में भी यूज किया जाएगा फ़ास्ट जिप्सम को इसलिए न्यूज में आया जो फास्फोरस है एक मिनरल है खनिज पदार्थ है अर्थ पे पाया जाता है ये और ये क्या है एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी है क्योंकि इसके बिना जो लाइफ है वो असंभव है क्योंकि एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो पीपल हो उनके लिए एक न्यूट्रिशन का भी काम करता है ये न्यूट्रिशन का पोषक तत्व का, का काम करता है जो फॉस्फो जिप्सम है ये एक वेस्ट है जो बाय प्रोडक्ट है यानी कि अवशेष बचता है बहुत सारे देखो प्लांट्स हैं यानी कि प्लांट्स का मतलब पौधा नहीं है यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ रॉक चट्टान है उनसे फॉस्फेट निकाला जाता है और जब फॉस्फेट निकाला जाता है प्रोसेसिंग की जाती है उससे अवशेष बचता है अवशेष बचता है यानी कि बाय प्रोडक्ट वेस्ट बचता है तो उससे फॉस्फोजिप्सम निकलता है फॉस्फोरिक एसिड निकलता है फॉस्फेट फर्टिलाइज़र बनाया जाता है उससे जिसे सुपर फॉस्फेट भी बोलते हैं ये एग्रीकल्चर में यूज होता है यानी कि सॉइल को अमेंडमेंट करता है सॉइल की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा देता है न्यूट्रेशन क्वालिटी को फर्टिलाइजर की तरह काम करता है ये देखो ब्रिक में भी काम आता है जो ब्रिक ईंटे बनती है ना ईंटें ईंटों को भट्टा होता है ना ब्रिक क्लिन बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिक क्लिन तो वहाँ पे जो भट्टा होता है ईंटों का या सीमेंट का भट्टा होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज में ब्रिक इंडस्ट्रीज में वहाँ पे भी इसका यूज होता है और रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज किया जा सकता है फास् फास्टफोरस और जिप्सम का तो आपको एप्लीकेशन इसके यूज क्या क्या प्रॉपर्टी हैं क्या क्या यूज हैं ये आपको याद रखने हैं क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले तीन चार सालों में आप देखोगे क्वेश्चन पेपर तो पता चलेगा ये अब जानते हैं एन एच ए आई क्या है ऑलरेडी जान ही चुके हैं कब बनाया था ये 1988 में एक्ट पास किया था एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 यानी कि एक स्टैचूटरी बॉडी है एक्ट बना के पास किया कानून बना के सांविधिक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंदर ये काम करती है ये देखो सेंट्रल अथॉरिटी है हमारे इंडिया की जो नेशनल हाईवेज़ को मेंटेन करती है मैनेज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ये काम दिया हुआ है ये अथॉरिटी में फुल टाइम चेयरपर्सन होता है एक और इसमें पाँच से ज़्यादा फुल टाइम मेम्बर नहीं हो सकते और चार पार्ट टाइम मेम्बर होते हैं पाँच से ज़्यादा फुल टाइम मेंबर नहीं हो सकते इसका मतलब चार हो सकते हैं फुल टाइम मेंबर लेकिन पाँच से ज़्यादा नहीं हो सकते पाँच चार तीन दो एक ऐसे हो सकते हैं चार पार्ट टाइम मेंबर होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इनको अपॉइंट करती है चेयरपर्सन हो चाहे फुल टाइम या पार्ट टाइम मेंबर हो नेक्स्ट टॉपिक है जूट पैकेजिंग एक्ट नाइनटीन ये देखो एक्ट है एक जूट के लिए जूट आप जानते हो क्या होता है जानेंगे जूट के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रल्डिम्स के लिए भी और जीएस पेपर थ्री के लिए भी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अप्रूवल दिया है कि जूट की पैकेजिंग का यूज किया जाए राइस के लिए वीट के लिए शुगर के लिए ये मैंडेटरी यूज किया गया दो हज़ार के साल में दो हज़ार ख़त्म होने वाला है तेईस तीस मार्च को दो हज़ार का जो ईयर है तो यहाँ पे मैंडेटरी किया गया था मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी अनिवार्य कि चाहे चावल हो गेहूँ हो या सूगर हो उसकी पैकेजिंग जूट से बने हुए थैले में ही होगी और जूट से बने हुए थैले देखो ये होते हैं जिन्हें बोरा या बोरी के नाम से जानते हैं और ये है जूट का पेड़ भाई साहब ये जूट की खेती की जा रही है इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए खेतों में पानी भरा रहता है जैसे धान के खेतों में भरा होता है और ये जो जूट का पेड़ है ये देख रहे हो जो आप प्लांट पौधा इसकी जो स्किन होती है खाल वो उतारी जाती है उससे ये बनाए जाते हैं जूट के ये थैले वग़ैरह कपड़े भी बनते हैं इससे जो जूट ये एक्ट है जूट का जूट पैकेजिंग एक्ट नाइनटीन का इससे देखो डायरेक्टली 40 लाख ,00 फार्मर को फायदा होता है 40 लाख ,00 फार्मर की फैमिलीज को फायदा होता है जूट सेक्टर से और 3.7 लाख ,00 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है रोजगार मिलता है डायरेक्टली जूट फार्मर हैं या वर्कर हैं या पर्सनस हैं ये जूट गुड्स इंडस्ट्रीज में से so, ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और इनके इंटेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जूट सेक्टर काम करता है मैंडेटरी नॉर्म यही है देखो जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी पैकेजिंग होती है या फिर जो सूगर की पैकेजिंग होती है ये वेस्ट बंगाल में ट्वेंटी परसेंट पैकेजिंग सूगर की और सारे फूड ग्रेन्स की वेस्ट बंगाल में जूट से ही होती है ये मैंडेटरी है मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जूट का प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है हमारे इंडिया में जूट के बारे में जानते हैं और मेजरली देखो जूट एक नेचुरल फाइबर है कॉटन की तरह कॉटन भी एक नेचुरल फाइबर है कल्टीवेशन किया जाता है इसका और बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है जैसे कपड़े बनाने में पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए इसको उगाने के लिए टेम्परेचर चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का रेनफॉल की बात करें बारिश की तो 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए और सॉइल मिट्टी कैसी चाहिए एलुवियल सॉयल चाहिए जो वेल well ड्रेनड हो एलुवियल सॉइल को हिंदी में बोलते हैं दोमट मिट्टी दोमट मिट्टी चाहिए एलुवियल सॉइल बनती है नदियों का पानी आता नदियों के पानी से जो मिनरल्स या जो मिट्टी आती है वो आके खेतों में जमा होती रहती है उससे बनती है एलुवियल सॉइल वेल ड्रेनड सॉइल होनी चाहिए वेल well ड्रेन का मतलब ऐसा ना हो इसमें पानी खड़ा रहे पानी निकलता रहे ऐसी हो तो वेल ड्रेन एलुवियल सॉइल में ये होता है जूट देखो स्टार्टिंग में वैसे इसमें पानी भरा होता है लेकिन बाद में पानी भरने की जरूरत नहीं है जूट के खेत में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का उसके बाद बांग्लादेश में होता है और चाइना में होता है देखो जब भारत का बंटवारा हुआ था नाइनटीन में तो इंडिया से पाकिस्तान बट गया था तो उस टाइम पे देखो ये बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही पार्ट था इसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे और ये पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था पाकिस्तान का ही पार्ट था तो जो जूट के बहुत सारे यहाँ एरिया था वो बांग्लादेश में भी चला गया था बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो बनी हुई थी वो बांग्लादेश में चली गई थी बंटवारे के टाइम पे तो दोबारा से फिर इंडिया को मेहनत करनी पड़ी थी जूट सेक्टर में बंटवारे के बाद मेनली देखो ये ईस्टर्न इंडिया में ही उगाया जाता है जूट इंडस्ट्रीज़ और एलुवेल सॉइल में गंगा भ्रहंपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहाँ उसके आस पास, पास उगाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा के आसपास इंडिया में जो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है फिर बिहार में उड़ीसा असम आंध्रा मेघालय और त्रिपुरा में जूट उगाया जाता है नेक्स्ट टॉपिक है किलाडी एक्सकेवेशन ये प्रल्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेजरली और जी पेपर वन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी हिस्ट्री के टॉपिक में इम्पोर्टेंट है तो क्या है ये किलाडी एक्सकेवेशन और न्यूज में क्यों है देखो एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करते हैं ना जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है हमारा खुदाई करता रहता है जानता रहता है कि यहाँ पे पहले कौन लोग रहा करते थे यहाँ पे कुछ मिल जाए मटका वगैरह दबा हुआ या कोई चीज़ कोई आभूषण कोई गार्लैंड कुछ मिल जाए कोई बर्तन मिल जाए पहले बने हुए जो हजारों साल पहले लोग रहा करते थे सैकड़ों साल पहले लोग रहा करते थे तो ऐसे खुदाई करता रहता है तो क्लाडी एक जगह है तमिलनाडु में तमिलनाडु में और ये संगम एज की साइट है संगम एज संगम एक बोला जाता है एक पीरियड है जो फिफ्थ सेंचुरी बी सी से थर्ड सेंचुरी सी तक रहा था लगभग ये इसके बारे में भी जानेंगे डिटेल में संगम एज के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में यहाँ पे देखो किलाड़ी जो प्लेस है यहाँ पे 2015 से खुदाई की जा रही है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया करता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है ये आप जानते हो ना बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं जानेंगे थोड़ा तसली रखो इसके बारे में भी दोबारा देखो यहाँ पे जब एक्सकेवेशन किया जा रहा है खुदाई की जा रही है तो ऐसा पाया कि यहाँ पे संगम एज में अर्बन सिविलाइजेशन थी शहरी क्षेत्र शहरी सभ्यता थी जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी ना हड़प्पा सभ्यता था वहाँ पर भी अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी सोचो लगभग पाँच हजार साल पहले शहरी लोग रहा करते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो कि आज भी हमारे देश में सिर्फ दो हज़ार ग्यारह की सेंसस के हिसाब से थर्टी वन परसेंट पीपल अर्बन एरियाज़ में रहते हैं लेकिन उस टाइम पे हड़प्पा जब सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी अर्बन शहरी क्षेत्र में शहरी जैसे शहरी एरिया है वहां पर लोग पक्के घरों में रहा करते थे तो ये भी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी ऐसा प्रूव किया है इस एक्सकेबिशन ने तो आप आए अगर प्रिलिम में कि संगम एज अर्बन सिविलाइजेशन थी या रूरल सिविलाइजेशन थी तो आपको पता होना चाहिए कि अर्बन शहरी सभ्यता थी जो किलाड़ी ये किलाड़ी एक्सकेबिशन है ये साइट संगम पीरियड की सेटलमेंट है यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यहाँ पे खुदाई जारी रखी है खुदाई कर रहा है यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है ये ये 1861 में बनाया गया था अलेगजेंडर कैनिंगम ने बनाया था वही इसके पहले डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कैनिंगम अंग्रेज़ों के टाइम पर बनाया गया था ये खुदाई करता रहता है हमारी कल्चर को संजो के रखता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू डेली में इसका हेडकोार्टर है आते हैं एक्स ये किलाड़ी एक्सकेबिशन पे किलाड़ी एक्सकेबिशन देखो ये सेटलमेंट वाई गई रिवर है तमिलनाडु में वाई गई या वाई गई रिवर यहाँ इसके बैंक पे इसके किनारे पे ये बसा हुआ है ये जो शहर था जो संगम एज का ये शहर था किलाड़ी और ये यहाँ पे देखो ये आदिचा अदिचा नल्लूर एक आर्कोलॉजिकल साइट है उसके बाद यहाँ पे एक्सकेबिशन स्टार्ट की गई किलाड़ी में ऐसा माना जाता है ये साइट ये साइट है जो ये फिफ्थ सेंचुरी बी से लेकर थर्ड सेंचुरी सी तक सी और बी सी के बारे में आप जानते होंगे सिक्स क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में आपने पढ़ाई होगा बिफोर क्रिश्चनिरा और क्रिश्चन इरा क्रिश्चन इरा एक सी या ए डी भी बोल सकते हो आप जो अभी चल रहा है एक आया फिर दो तीन चार सौ फिर सौ से एक सौ एक दो फिर दो सौ तीन सौ चार सौ ऐसे उन्नीस सौ दो हजार दो हज़ार एक दो तीन दो हजार तेईस चल रहा है अब ये सी चल रहा है दो हज़ार तेईस सी तो समझ रहे हो आप ये तो ट्वेंटियथ सेंचुरी चल रही है अब ट्वेंटिय सी ही बोल सकते हो आप तो फिफ्थ सेंचुरी बी सी से थर्ड सेंचुरी सी में यह पीरियड रहा था संगम पीरियड क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं संगम का मीनिंग क्या होता है तमिल भाषा में संगम का मतलब होता है ये संस्कृत भाषा से आया है ये वर्ड संगम वैसे संस्कृत में ये वर्ड था संघ संघ से निकला तमिल भाषा में संगम संघ का मतलब आप जानते हो ग्रुप ऑफ पर्सन किसी पर्सन का लोगों का एक समूह या एसोसिएशन तो संगम है ये किसके एसोसिएशन है ये पोइट की है कवियों का एक संघ है कवियों का एक ग्रुप है संगम का मतलब ये जो पीरियड है ये पांड्या जो किंग थे पांड्यन किंग आपने पढ़ा होगा चोल पांड्यन चेरा के बारे में हिस्ट्री की बुक में एंशियंट हिस्ट्री में तो पांड्यन किंग के ये टाइम पे संगम एज रहा था संगम इरा रहा था और संगम लिटरेचर भी फेमस है इस इरा में संगम लिटरेचर में बहुत सारी किताबें हैं बुकें भी हैं बुक्स देखो हिंदी का इतना प्रभाव है किताब को किताबें बोलेंगे प्लूरल फॉर्म में तो बुक को मैं बुके बोल रहा हूँ होगा बुक्स बुक का क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमारी हिंदी का बहुत ज़्यादा शोषण किया था इस तरह से हम हिंदी वासी भी इंग्लिश का शोषण कर रहे हैं जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि लेडीज़ और जेंट्स बोलने के बजाय बोलते हैं कि लेडी और जेंटों को बुलाओ ऐसा आपने सुना होगा बहुत बार तो चलो ये तो कॉमेडी होगी तो संगम लिटरेचर है देखो ये संगम ये थर्ड संगम से ये कंसोलिडेट किया गया है संगम लिटरेचर के बारे में और यहाँ पे जो लोगों की जानकारियाँ हैं संगम लिटरेचर में मिलती हैं उनके कैसा इकोनॉमिक कंडीशन थी कैसी पॉलिटिकल थी कैसा उनका सोशल सिस्टम था और इन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि यहाँ पे जो संगम एज थी संगम लिटरेचर से संगम एज संगम ही था वो सेकुलर टाइप का था यानी कि धर्मनिरपेक्ष वहाँ पे लोगों के साथ, के साथ धर्म के साथ धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं था पब्लिक सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ की गवर्नमेंट कैसे थी वार कैसा था चैरिटी ट्रेड वर्शिप एग्रीकल्चर सारी जानकारियाँ मिलती हैं संगम लिटरेचर से संगम लिटरेचर में बहुत सारी किताबें हैं इसमें सबसे ज़्यादा पुरानी किताबें है तमिल वर्क टोल का कापीएम ये अर्लीस्ट बुक है टोल का पीएम एक तर, तमिल ग्रामर भी है इसमें तमिल का जो तमिल भाषा उसका ग्रामर भी है सबसे पहला बुक है तमिल ग्रामर की संगम लिटरेचर में टेन पोई में जिन्हें पट्टू पट्टू भी के नाम से जाना जाता है तमिल भाषा में एट एंथोलॉजीज हैं जिन्हें एट्टू गोटाई एट्टू टोगाई के नाम से जाना जाता है ये तमिल भाषा में देखो इसका प्रनंन कुछ और भी हो सकता है एटीन माइनर वर्क हैं जैसे ये पेडी नें पेडी नैंकी कानक्कू के नाम से जानते हैं तमिल भाषा में और थ्री एपिक्स हैं इतने सारी किताबें हैं ये आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है सिर्फ टोल का पीएम को याद रखना आप टोल का पी अर्लीस्ट तमिल वर्क है तमिल भाषा में तमिल ग्रामर के बारे में भी जानकारी मिलती है टोल का पीएम बुक में नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू प्राइवेसी ऑफ चिल्ड्रन ये प्रम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही जीएस पेपर टू के लिए भी इंपॉर्टेंट है मीन्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो चिल्ड्रन कोई डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता के इनफिडिलिटी को प्रूफ करने के लिए इनफिडिलिटी जानते हो आप क्या होता है डिस एक तरह से बोल सकते हो आप यानी कि अगर किसी की पत्नी अपने पति से लॉयल ना हो किसी और के साथ उसके संबंध हो यानी कि उसे बोल देते हैं बेवफा बेवफा, बेवफा वर्ड सुना होगा ना तो इनफडल मतलब बेवफा और इनफडलिटी का मतलब बेवफाई बेवफाई का प्रूफ के लिए चिल्ड्रन का डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस वजह से ये न्यूज में आया राइट टू प्राइवेसी ऑफ चिल्ड्रन तो क्यों कराना होता है डीएनए टेस्ट देखो बहुत बार क्या होता है कि झगड़े हो जाते हैं ना हस्बैंड वाइफ में और या फिर कोई बच्चा खो को गया होता है तो उसके डीएनए टेस्ट करते हैं चलो वो तो डीएनए टेस्ट करते हैं माता पिता को पता लगाने के लिए लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो फिर बच्चे का डी टेस्ट किया जाता है उससे पता लगाया जाता है कि ये बच्चा मेरा ही है नहीं है यानी कि जो औरत और जो पुरुष उसके माता पिता कहला रहे हैं वही वास्तव में उसके माता पिता हैं या कोई और है तो ये टेस्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो चिल्ड्रन का राइट टू प्राइवेसी है प्राइवेसी का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है वायोलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं वो हम इसमें जानेंगे और तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल होती हैं इंटीमेट होती है पर्सनल होती, होती है किसी की भी तो चाइल्ड की भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो जीन से रिलेटेड जितनी भी सूचना है वो उसकी पर्सनल है और चाइल्ड का ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है और राइट टू प्राइवेसी है निजता का अधिकार बोलते हैं हिंदी में निजता का अधिकार जो निजता का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट right है मौलिक अधिकार है किसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट 2017 में पुट्टा स्वामी जजमेंट में बोल चुका है पुट्टा स्वामी जजमेंट में यूएन कन्वेंशन भी है यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ये भी रिकॉग्नाइज करती है राइट टू प्राइवेसी को राइट टू प्राइवेसी हो या राइट ऑफ अटोनोमी या आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन तो इसके भी अगेंस्ट है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फैमिली कोर्ट होते हैं फैमिली कोर्ट वो अदालतें देखो डीएनए टेस्ट को तभी आदेश दें डीएनए टेस्ट करने के लिए तब कोई और चारा ना बचा हो चाइल्ड का पेटर्निटी को पता लगाने में कि बच्चा अपने पिता का ही है कोई और कोई नहीं है फिर मान लो कोई और साधन नहीं है तो उसके बाद ही लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए डीएनए टेस्ट ऐसा नहीं हो आप फर्स्ट टाइम में डीएनए टेस्ट के लिए कह रहे हो तो इम्पैक्ट क्या होगा इस टेस्ट का देखो डीएनए टेस्ट जब किया जाता है तो इसमें क्या है ये चाइल्ड को मेंटल ट्रॉमा दे सकता है अगर चाइल्ड को पता चला कि भाई साहब अभी तक जो पिता रह रहे थे मेरे साथ वो पिता नहीं है माता मेरी है लेकिन पिता कोई और है तो चाइल्ड को भाई साहब ट्रॉमा मेंटल ट्रॉमा झेलने को मिल सकता है बच्चे को और डीएनए टेस्ट अगर अलाउ किया जाएगा तो ये आगे जाके हो सकता है माता की जो मदर है उसकी डिग्निटी और रेपुटेशन को भी एक तरह से नुकसान पहुँचाता है मान लो भले ही माता और पिता एक ही हों डीएन टेस्ट में सही निकले लेकिन फिर भी मदर को तो की जो रेपुटेशन है डिग्निटी उस पर तो सवाल उठाया गया था ना तो उसकी रेपुटेशन डिग्निटी को ये हार्म करेगा नुकसान पहुंचाएगा तो डीएनए टेस्ट होता क्या है डीएनए एन पैटर्निटी टेस्ट इसमें देखो डीएनए लिया जाता है चिक्स वेब से लिया जाता है डीएनए और उसके जरिए डिटरमाइन किया जाता है कि चाइल्ड का बायोलॉजिकल फादर कौन सा है यानी कि कौन है उसके फादर कौन है इसमें कंपेयर किया जाता है टिश्यू लिए जाते हैं टेंस सैंपल चाइल्ड से भी मदर से भी और उस आदमी से जो पिता बोल रहे हैं उसे तो उनके सैंपल लेके फिर इनके करेक्टर मैच की जाती है और हर एक बच्चे में अपने माता पिता से कुछ स्पेशल करैक्टर आते हैं उनको बोलते हैं जेनेटिक मार्कर जिनकी वजह से पता चलता है कि हाँ ये माता पिता सेम है इस बच्चे के और ये अब तक के जितने भी टेस्ट होते हैं बच्चे का पता लगाने में कि इसके माता पिता कौन है उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट डीएनए टेस्ट माना जाता है किसी भी बच्चे के बायोलॉजिकल फादर को पता लगाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक है करप्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू आर पी ए नाइनटीन ये प्रिमिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जी पेपर टू के लिए भी आर एक्ट से बहुत बार यू ने लगभग हर दो तीन साल में एक बार क्वेश्चन पूछ ही लेती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट बोलते हैं इसको फुल फॉर्म है इसकी और हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि कानून जन प्रतिनिधि कानून जन प्रतिनिधि कानून ये दो हैं एक तो 1950 का है 1950 का और उन्नीस का है दोनों में फ़र्क क्या है वो भी जानेंगे लास्ट में पहले जानते हैं अभी न्यूज़ में क्यों है और क्या मतलब है इसका करप्ट एक्ट का करप्ट मतलब वही भ्रष्टाचार रिलेटेड कोई भी आप एक्ट कर रहे हो आप नहीं मतलब कोई भी नेता है लीडर है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अनुराग नारायण सिंह वर्सिज़ हर्षवर्धन वाजपेयी केस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था अगर कोई कैंडिडेट कोई कैंडिडेट है इलेक्शन लड़ना चाहता है और वो अपनी इलेक्शन लड़ने से पहले इलेक्शन कमीशन के सामने जाता है अपना नॉमिनेशन फाइल करता है यानी कि पर्चा भरता है इलेक्शन लड़ने के लिए अप्लाई करता है और उसमें उसको अपनी इन्फॉर्मेशन जानकारी देनी पड़ती है अगर वो अपनी फाल्स इन्फॉर्मेशन देता है गलत सूचना देता है तो ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा कौन से सेक्शन में ये आर एक्ट है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 उसके सेक्शन 123 ट्वेंटी थ्री क्लाउज टू में और सेक्शन 123 ट्वेंटी थ्री क्लाउज फोर में ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा अगर कोई अपनी गलत सूचना देता है नॉमिनेशन भरते टाइम पे क्योंकि नॉमिनेशन को बहुत सारी पढ़ी लिखी पब्लिक होती है उसको देखती है कि ये बंदा कितना पढ़ा लिखा है क्या है इसके बारे में जानकारी कितने केस चल रहे हैं इस पर क्या क्या इसके पास प्रॉपर्टी है ये सब कुछ उस, उसमें इंफॉमेशन होती है और अगर गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो ये करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट है या और हाईकोर्ट ने भी ऐसे डिसीजन दिए हैं कि ये जो अगर कोई डिस्क्लोजर नहीं करता है यानी कि उसके सूचना देता है डिस्क्लोजर में अगर कोई डिफेक्ट है तो ये क्या है उसके करेक्टर को भी एक तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और ये सारे इलेक्शन में भी इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए भी ये प्री जुडिस प्री जुडिस का काम कर सकते हैं प्री जुडिस का मतलब होता है एक तरह से पक्षपात कि आप कोई अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उससे इलेक्शन पे तो प्रभाव पड़ता ही है ना जनता का जो ओपिनियन है वो बनता है आपकी इन्फॉर्मेशन से तो ओपिनियन गलत हो सकता है जनता का आपकी गलत इन्फॉर्मेशन से केस के बारे में पढ़ते हैं अभी केस क्या था देखो एक फॉर्मर कांग्रेस एम थे अनुराग नारायण सिंह एक कांग्रेस के एम थे विधायक उन्होंने कहा बीजेपी के एमएलए एल ए हर्षवर्धन वाजपेयी हैं इन्होंने करप्ट प्रटिसेज़ किए अंडर सेक्शन 123 ट्वेंटी थ्री क्लाउस टू आर एक्ट नाइनटीन के अंदर क्योंकि इन्होंने अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया लाइबिलिटीज़ का मतलब एक तरह से कर्ज इस पर डेट था कुछ वो इन्होंने डिस यानी कि डिस्क्लोज नहीं किया नॉमिनेशन भर भरने के टाइम में और इन्होंने देखो अपनी करेक्ट करेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं बताई एफिडेविट में जब नॉमिनेशन नॉमिनेशन फाइल किया एफिडेविट में अपनी शिक्षा की जितने रिलेटेड क्वालिफिकेशन थी वो भी इन्होंने नहीं बताई तो इस वजह से ये करप्ट प्रैक्टिस में आता है तो करप्ट प्रैक्टिस क्या क्या हैं आर एक्ट के तहत ये हम जानेंगे ये आपको याद रखना है करप्ट प्रैक्टिस में कौन कौन सी आती हैं मतलब कौन कौन से अगर काम करेगा कोई इलेक्शन कैंडिडेट तो करप्ट प्रैक्टिस में आएंगी पहला है ब्राइबेरी अगर कोई ब्राइब्रेरी रिश्वत देता है लेता है तो भी ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा यानी कि कोई अगर मान लो रिश्वत दे रहा है कि आप मुझे वोट करना कोई हजार दो हज़ार रुपये दे के लोगों को लुभा रहा है तो ये भी करप्ट प्रैक्टिस में आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी को प्रभावित करते हैं किसी फोर्स के बल पर यह भी करप्ट प्रैक्टिस में आएगा फॉल्स इंफॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन कोई देता है प्रमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ एनिमिटी अगर कोई दुश्मन की भावना किसी में भरता है प्रमोट करता है या हेट्रेड नफ़रत फहराता है समाज में तो भी ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा डिफरेंट डिफरेंट जो स्टीजन है डिफरेंट डिफरेंट धर्म से जाति से हैं अगर कोई धर्म जाति या नस्ल कम्युनिटी समुदाय लैंग्वेज भाषा के आधार पे लोगों को बांटता है कोई ऐसी स्पीच देता है जिससे लोगों में डिफरेंसेस पैदा कर रहा है तो वो भी नफ़रत पैदा कर रहा है या डिफरेंसेस तो ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है जो ये एक्ट हैं ये प्रोहिबिट करती हैं कि कोई भी फाल्स स्टेटमेंट ना दे इलेक्शन कमीशन के सामने जब नॉमिनेसन फाइल करे बंदा तो कोर्ट ने कई बार बहुत सारी रूलिंग दी है कि अगर कोई कैंडिडेट होता है रिलीजन रेस कास्ट कम्युनिटी लैंग्वेज के नाम पे अगर वोट मांगता है तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा लेकिन हाँ अगर कोई फ्री वीज के नाम पे मांग रहा है फ्री वीज का मतलब अगर कोई ये वादा कर रहा है कि मैं अगर एम बन जाऊंगा या एम बन जाऊँगा या मंत्री बन जाऊँगा सी बन जाऊँगा या हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये देंगे मान लो स्कूटर देंगे सबको घरों में टीवी देंगे सबको घरों में लैपटॉप देंगे या सबकी जो जिसकी शादी नहीं हुई है शादी कराएंगे क्योंकि महिलाओं की कमी है दूसरे देश से महिला लाएंगे मतलब एक मज़ाक की बात है कोई भी ऐसा वादा करे ये फ्री बीज में आते हैं सब फ्री बीज तो ये करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आते कोर्ट रूलिंग के हिसाब से ये आपको याद रखना है स्टेटमेंट में देखो ऐसा दे के पूछा जा सकता है कि फ्री बीज क्या करप्ट प्रैक्टिस में आते हैं या नहीं तो आपको याद रखना नहीं आते हैं अब जानते हैं थोड़ा डिफ्रेंसिस जो ये एक्ट हैं पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ये देखो दो एक्ट हैं कानून बने हुए हैं एक है आपका आर पी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी का और एक है नाइनटीन फिफ्टी वन का दोनों में फ़र्क क्या है देखो नाइनटीन फिफ्टी में तो दिया है कि वोटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी यानी कि कौन वोट कर सकता है यानी कि अठारह साल का बंदा वोट कर सकता है इसमें क्वालिफिकेशन लिखी हुई है नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रल रोल की प्रिपरेशन, जो इलेक्ट्रल रोल जिसमें कैंडिडेट का मतलब कैंडिडेट नहीं जो वोटर हैं आप जैसे हम लोग वोटर जो वोट देते हैं उनकी लिस्ट जो प्रिपेयर की जाती है इस एक्ट के तहत की जाती है 1951 के तहत डीलिमिटेशन की जाती है कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एरिया बांटा जाता है कि एरिया एक एरिया में ये एम इस एरिए में रहेगा इस एरिया में दूसरा एम ये डिलिमिटेशन की जाती है कॉन्स्टिट्यूंसी की ये नाइनटीन में दी हुई है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में जो सीट्स की अलोकेशन है कि कितनी सीट रहेंगी पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी सीट रहेंगी ये भी दिया हुआ है आर पी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी में अगर आर पी एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो कैसे कंडक्ट किए जाएंगे इलेक्शन कंडक्ट कराने के रूल्स रेगुलेशन इसमें दिए हुए हैं जो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या होगी कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे ये सब इसमें दिया हुआ है एम एल की क्वालिफिकेशन है डिसकॉवालिफ़िकेशन क्या होगी यानी कि कौन एम पी बन सकता है कौन किसी को रद्द किया जा सकता है ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस या डिस्प्यूट जितने भी विवाद या झगड़े होते हैं या कोई भी अपराध हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो इस 1951 में दिए हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी इसमें दिया हुआ है सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए ये हमने कई बार डिस्कस किया है तो ये सब कुछ दिया हुआ है नाइनटीन फिफ्टी वन में तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टी की नाइनटीन फिफ्टी वन में होगी ये पता होना चाहिए एम बी एम पी एम एल ए का डिस्कॉलीफिकेशन इलेक्शन ऑफेंसिस डिस्प्यूट ये सब और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ये पता होना चाहिए मेनली और इसमें वोटर की क्वालिफिकेशन डिलिमिस्टेशन इलेक्ट्रल रोल का प्रिपरेशन करना और सीट कितने रहेंगी पार्लियामेंट स्टेट में सीट किस तरह से रहेंगी ये सब कुछ नाइनटीन में तो ये था इसके बारे में चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे छोटा कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मरकरी से रिलेटेड मरकरी आपको पता है एक मेटल है ये एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है तरल पदार्थ में वरना सारी जो मेटल है धातु वो ठोस होती हैं कठोर पढ़ा ही होगा आपने एन में साइंस की सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ टेन इनमें ही आपको मिल जाएगा इसके बारे में तो मरकरी को एलिमिनेट किया जाए क्योंकि ये स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट में यूज होता है ऐसा बोला यूनेप ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जो यूनाइटेड नेशन की एक ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसने बोला है जो स्किन लाइटिंग प्रोडक्ट आते हैं ना बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं क्रीम पाउडर वगैरह आते हैं जिनको चेहरे पे लगाते हैं स्किन चमकने लगती है तो उनमें मरकरी का यूज़ होता है लेकिन यू ने अपने कहा है इसको भाई साहब हटाया जाए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या स्किन लाइटिंग प्रोडक्ट हैं उनसे क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हैं वो नुकसान क्या है वो नुकसान ही हमें जानने हैं और कौन कौन से और भी मेटल हैं जो ऐसे प्रोडक्ट में यूज हो होते हैं जैसे लिपस्टिक पाउडर या क्रीम जेल ये सब में वो भी जानेंगे हम ये अभी अनाउंस किया है एक गैबन जमेका श्रीलंका ये कंट्री हैं इन्होंने ये यूनाइटेड किया है इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि देखो डॉलर फोर्टी मिलियन फोटीन मिलियन डॉलर के जो प्रोजेक्ट हैं वो यूज किए जाएंगे कि मरकरी को निकाला जाए स्किन लाइटिंग प्रोडक्ट से मरकरी को यूज को एलिमिनेट किया जाए यानी कि जो ऐसे प्रोडक्ट यूज होते हैं उनमें मरकरी का यूज़ ना हो इन्होंने तीन देशों में इतने डॉलर की एक तरह से प्रोजेक्ट चलाए हैं तो मरकरी क्या है इसके बारे में जानते हैं पहले और फिर जानेंगे कौन कौन सी और मेटल हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होती हैं मरकरी जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया एक मेटल है धातु लिक्विड फॉर्म में है इसे क्विक सिल्वर भी बोलते हैं क्योंकि इसका साइनीज सिल्वर वाइट कलर होता है रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड फॉर्म में होता है तरल पदार्थ में पानी की तरह और कौन कौन से हैवी मेटल है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होते हैं देखो नेल पॉलिश जो होती है या लिप ग्लॉसिस होते हैं लिपस्टिक होती है उनमें एल्यूमिनियम भी यूज होता है लीड भी यूज होता है लिपस्टिक में देखो सीसा जो आपके घरों में शीशा ही होता है शीशे का पाउडर लीड वो यूज़ होता है तो सोचो जो लिपस्टिक यूज़ करती हैं महिलाएँ कितना हानिकारक है ये इम्पैक्ट क्या होता है इससे देखो लीड का जब यूज़ होता है तो न्यूरोटॉक्सिन होता है इसमें ये हमारे बहुत सारी चिल्ड्रन में डिसबिलिटी को प्रमोट कर सकता है जो महिलाएं लगाती हैं उनके बच्चे होते हैं उनमें डिसएबिलटी हो सकती हैं कुछ बच्चों में डिफेक्ट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मरकरी का एक्सपोजर हो तो नर्वस सिस्टम को ही हार्म पहुंचा सकता है ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा सकता है आर्सेनिक यूज होता है इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट में तो ये एक हैवी मेटल है आर्सेनिक भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होता है इसकी वजह से स्किन इरीटेशन हो सकती है लीवर डैमेज हो सकता है स्किन में मतलब खुजली सी टाइप हो सकती है और कैंसर का रिस्क है वो भी बढ़ सकता है इसकी वजह से तो यही था इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक है एफ जी डी फैसिलिटी तो क्या है एफ जी डी फैसिलिटी ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन्स जी एस पेपर थ्री के लिए एफ जी डी फैसिलिटी का मतलब है फ्लू गैस डी फैसिलिटी देखो एक तेलंगाना में सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट जानते हो आप जो कोयले का यूज करके कोल का यूज करके बिजली बनाता है उन्हें बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट तो ये साउथ इंडिया में पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर प्लांट बन गया है जो कोस्ट बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन है लेकिन यह फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट भी इसने लगाया है क्या होता है इसका मतलब जानेंगे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन या एफ फैसिलिटी जब यूज की जाती है किसी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में क्योंकि देखो इसकी वजह से क्या है अगर हम एफ फैसिलिटी का यूज करेंगे इन थर्मल पावर प्लांट में इन इंडस्ट्रीज में कंपनीज में जो कोयले से बिजली बनाती हैं तो इसकी वजह से क्या है सल्फर डाईऑक्साइड का इमिशन कम हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है एक ग्रीन हाउस गैस है इसकी वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का एटमोसफेयर का टेम्परेचर बढ़ता है एटमोसफेयर का टेम्परेचर बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है ये एक टेक्निक है जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड को एग्जोशन को कम किया जा सकता है और जो भी फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट होते हैं कोल को यूज करके बिजली बनाने बिजली बनाने वाले प्लांट उनमें सल्फर डाइ ऑक्साइड का इमिशन होता है और इस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से देखो वेस्ट बहुत सारे देखो रिफाइनरीज हैं सीमेंट या लाइम किल्न हैं सीमेंट के जो भट्टे होते हैं जहाँ पे सीमेंट बनता है या पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है उनसे भी ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है तो अगर ये फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन टेक्निक का यूज़ किया जाए फैसिलिटी का यूज किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड को पर्यावरण में कम किया जा सकता है तो ये इसके फायदे हैं नेक्स्ट टॉपिक है आर न्यूट्रीनोज देयर ओन एंटी पार्टिकल तो हम इसमें समझेंगे न्यूट्रीनोज क्या होते हैं एंटी पार्टिकल क्या होते हैं वैसे तो हमने देखो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है साइंस एंड टेक की प्ले लिस्ट में आप देखना वहाँ पर न्यूट्रीनो एंटी पार्टिकल पार्टिकल मैटर ये सब के बारे में आपको डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा यहाँ पर हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे देखो अभी न्यूज में इसलिए जापान में एक, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कामलैंड नाम का कामियों का लिक्विड सिंटिलेटर ऑटी न्यूट्रीनो एंटी न्यूट्रीनो डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट काम लैंड एक्सपेरिमेंट के नाम से जान सकते हो आप इतना भी याद रखना है कि काम लैंड एक्सपेरिमेंट किसने किया जापान ने क्योंकि मैज द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने कि न्यूट्रीनोज का कोई अपना एंटी पार्टिकल नहीं है देखो जनरली जो पार्टिकल होते हैं ना पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं कन कोई भी कण हो सकता है तो कण का जो कण है उसका एक पार्टिकल का एक, एक एंटी पार्टिकल भी होता है एंटी पार्टिकल तो अभी न्यूट्रिनो का पाया कि न्यूट्रिनो का कोई अपना एंटी पार्टिकल नहीं है ये पता चला है इस एक्सपेरिमेंट में तो पहली बात तो आपको ये या याद रखनी है कि कामलैंड एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया जापान में किस लिए किया गया ये पता लगाने के लिए कि न्यूट्रोनों का कोई एंटी पार्टिकल नहीं है तो पहले हम समझते हैं जो पार्टिकल है देखो तीन हिस्से में बांटे गए हैं पहला बोलते हैं फर्म्योन्स मैटर पार्टिकल है मैटर पार्टिकल मतलब जिसको हम छू के देख सकते हैं और जिसमें कोई मास हो यानी कि जिसका कोई वजन हो तो फर्मियोंस में सब आ जाएंगे मैटर पार्टिकल में तो क्या है मैटर सब है जो आपके आसपास है कुर्सी चेयर बोतल सब घड़ी फोन आपका मैटर है छू के भी देख सकते हैं बाहर भी है दूसरे पार्टिकल होते हैं बोसोन ये फोर्स कैरियर होते हैं फोर्स जनरेट करते हैं इनको आप देख नहीं सकते फील नहीं कर सकते फील तो कर सकते हो इन्हें देख नहीं सकते हिग्स बोसोन इसका ओरिजन ऑफ मास मास का ओरिजन हिग्स बोसोन से होता है देखो 2013 में इसको नाम दिया था हिग्स बोसोन हिग्स और बोसोन दो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे दिया गया एक हमारे सत्यन्द्र बोस हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे और एक हिग्स एक फॉरेन साइंटिस्ट थे उनके नाम पे दिया गया इन्होंने पाया कि जो ये पार्टिकल है हिग्स बोसोन नाम का पार्टिकल इसे गोड पार्टिकल का नाम भी दिया क्योंकि जितने भी पूरे यूनिवर्स में पार्टिकल हैं उनको सबको मास ये दे रहा है हिक्स बोसोन तो ये तीन पार्टिकल में डिवाइड किए गए हैं और देखो आपको एटम के बारे में तो आप जानते हो जैसे मान लो कोई भी मेटल है आयरन है आयरन की रोड को आप तोड़ते चले जाओ इतना तोड़ दो इतना तोड़ दो कि इतना छोटा टुकड़ा कर दो इसका आपको कि उससे ज़्यादा छोटा टुकड़ा अब हो नहीं सकता मान लो ये कन है ये ये हमने जूम कर लिया मान लो ये कन इससे ज़्यादा छोटा हम कर नहीं सकते इसे तो ये हो गया एटम एटम और एटम के अंदर देखो न्यूट्रॉन एटम ऐटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटोन होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूट्रॉन पे आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश आवेश और इंग्लिश में चार्ज तो एटम है जो एटम बना होता है किससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन से न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटोन और चार और चक्कर लगा रहता है न्यूक्लियस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन क्योंकि जैसे ये एटम है एटम के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन और जो एटम के अंदर जो ये पार्टिकल है न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये भी देखो क्वार्क से बने होते हैं हर एक न्यूट्रॉन हर एक प्रोटोन तीन तीन क्वार्क से बने होते हैं तो क्वार्क इनसे भी छोटी यूनिट है क्वार्क तो ये समझ गए होंगे आप जो न्यूट्रीनो है न्यूट्रीनो देखो एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है ये भी लाइट स्पीड में ट्रेवल करता है जितना लाइट की स्पीड होती है इतनी इसकी स्पीड होती है और ये देखो कैसे पैदा कैसे हुआ न्यूट्रिनो देखो जैसे न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता ऐसे न्यूट्रिनो को भी कोई चार्ज नहीं होता है और न्यूट्रिनो पैदा कैसे हुआ पैदा हुआ देखो यूनिवर्स में ब्रह्मांड में बहुत सारे एक्सप्लोजन होते रहते हैं बहुत सारी बॉडी टकराती रहती हैं बहुत सारे स्टार टकराते रहते हैं स्टार फटते रहते हैं टूटते रहते हैं जब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है जैसे सन भी एक स्टार है इसकी जब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाएगी और वो करोड़ों साल बाद फिर ये भी टूट जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा लेकिन पता नहीं कब बहुत ही अरबों खरबों साल बाद तो ऐसे स्टार जब इतनी उम्र हो जाती है उसकी तो टूट जाता है टूटने के बाद उससे बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं उसमें न्यूट्रिनो भी निकलते हैं और पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पार्टिकल कौन से पाए जाते हैं फोटोन लाइट पार्टिकल जो सूरज से लाइट निकल रही है इस तरह के लाइट पार्टिकल पाए जाते हैं जिन्हें फोटोन भी बोलते हैं फोटोन यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो ये फोटोन लाइट पार्टिकल और उसके बाद सेकंड नंबर पे पाए जाते हैं न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो आसपास आपके आसपास भी अभी भी घूम रहे होंगे आपको दिखाई थोड़ी ना दे रहे हैं स्पेस में इजीली मूव कर सकते हैं ये और न्यूट्रिनो फर्म्योन की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके पास थोड़ा बहुत मास होता है मैटर पार्टिकल में आते हैं और फर्म्योन मैटर पार्टिकल ये और ये इंटेक्ट करते हैं इंट्रेक्शन वीक इंट्रेक्शन और ग्रेविटी फोर्स के जरिए तो एंटी पार्टिकल क्या होते हैं देखो एंटी पार्टिकल पार्टिकल फिजिक्स में क्या होता है हर एक पार्टिकल जो होता है हर एक एक पार्टिकल पार्टिकल उसका अपना एंटी होता है उसके पास भी सेम मास होता है लेकिन उसका चार्ज अपोजिट होता है जैसे देखो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है नेगेटिव है माइनस है इसका भी एक एंटी पार्टिकल होगा और देखो उसका भी मास होगा जैसे इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास है पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है मास है लेकिन इसका अगर एंटी पार्टिकल जो होगा इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा वो होगा उसका मास भी होगा जैसे ये मास होगा इसका उसे बोलेंगे पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है उसका नाम है पोजिट्रॉन तो इसका मास भी है लेकिन इसका चार्ज डिफरेंट होता है अगर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है पोजिट्रॉन का होगा पॉजिटिव चार्ज तो ये हो गया पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल किसका इलेक्ट्रॉन का तो इसी तरह से हर एक जो पार्टिकल होता है लगभग पार्टिकल फिजिक्स में उसका एक एंटी पार्टिकल होता है और सेम मास होता है उसका जितना उस पार्टिकल का होता है लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है अपोजिट होता है ये बात आपको याद रखनी है तो पार्टिकल हो या एंटी पार्टिकल जब ये मिलते हैं आपस में तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं नष्ट कर देते हैं इनसे एनर्जी निकलती है फिर न्यूट्रिनो का कोई एंटी पार्टिकल है नहीं एंटी न्यूट्रिनो है नहीं लेकिन अगर न्यूट्रिनोज का एंटी न्यूट्रिनोज होता तो वह एंटी पार्टिकल की तरह होता लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं होता क्यों क्योंकि देखो न्यूट्रिनो का ही कोई चार्ज नहीं है जीरो चार्ज है इसमें ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव तो न्यूट्रिनो का कोई चार्ज नहीं होता अगर इसका कोई एंटी पार्टिकल होता तो अगर होता भी तो अगर मान लो है भी तो तो इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं ना बता नहीं सकते क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है नेगेटिव अगर इसका एंटी पार्टिकल मिलेगा तो पॉजिट्रॉन मिलेगा पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम इसे पता लगा सकते हैं ना हाँ भाई साहब इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस पर नेगेटिव चार्ज है तो हम पता लगा सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन न्यूट्रिनो का अगर कोई एंटी पार्टिकल मिलेगा भाई तो हम पता कैसे लगाएंगे क्योंकि इस पर तो चार्ज ही नहीं है ना और न्यूट्रो एंटी पार्टिकल का क्या मतलब है उससे अपोजिट चार्ज हो तो ये पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट भी है अगर मान लो न्यूट्रोनों का एंटी पार्टिकल मिल जाता है या न्यूट्रिनोज के बारे में रिसर्च करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है क्या सिग्निफिकेंस है इसका इंपोर्टेंस क्या है देखो जितना भी ये रिसर्च करते रहते हैं ना साइंटिस्ट स्पेस में ये सब कुछ इनका मेन मकसद तो यही है ये यह पता लगाना कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है कैसे यूनिवर्स बना कैसे ओरिजन हुआ कैसे ब्रह्मांड पैदा हुआ ये सब कुछ बारे में अर्थ कैसे बनी कैसा हुआ ये सब कुछ पता लगाते रहते हैं तो यही थे आज के टॉपिक में मतलब आज के लेक्चर में टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया यार